गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, दैट इज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है हमारे पास? ये एक फेक फोर्स है, और यू कैन से दैट इट इज एन इमेजनरी फोर्स। अब हुआ क्या कि जो न्यूटन के लॉ हमने पढ़े, डिस्कस किए, वो कुछ जगह पे क्या होने लगे, इनवैलिड होने लगे। न्यूटन लॉ के इनवैलिड होने के कारण हमें ये फोर्स ड्राइव करनी पड़ी, दैट इज स्यूडो फोर्स। पहली बात तो ये है क्या, इट इज अ फेक फोर्स और इमेजनरी फोर्स, और इमेजनरी फोर्स। अब जो न्यूटन का लॉ था, न्यूटन लॉ, इट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता था कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम में है या वो कहाँ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन अगर जीरो के इक्वल है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट। तब हमारा जो फ्रेम है वो क्या है, इनर्शियल। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो हमारा जो फ्रेम है दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में तो जो न्यूटन के लॉ थे, न्यूटन लॉ, इट होल्ड गुड और वैलिड। ठीक है, बट इस केस में जो न्यूटन के लॉ थे वो क्या हो रहे थे, इनवैलिड हो रहे थे। न्यूटन के लॉ इस केस में क्या हो रहे थे, इनवैलिड हो रहे थे। अब कईयों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो धरती क्या है हमारी, अर्थ तो गोल गोल घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, मींस वो क्या है हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन के लॉ यहाँ पे क्या है, इनवैलिड। तो हमारे जितने भी रिजल्ट हैं वो क्या हो रहे होंगे, गलत हो रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो गोल गोल तो घूमती है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सही है आपका कॉन्सेप्ट, बट क्या है, जो अर्थ की रिवॉल्विंग स्पीड है, अर्थ की जो रिवॉल्विंग स्पीड है वो क्या है, वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल होने के कारण हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नियर अबाउट क्या है, नियरली जीरो के इक्वल है। इसलिए अर्थ को हम क्या एज्यूम करते हैं, दैट इट इज़ अवर इनर्शियल फ्रेम, और इसीलिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लाइक आपके पास क्या है, मान लो कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई मास है एम, दिस इज अ लिफ्ट, इसमें मान लो एक मास है यहाँ पे एम, जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच हो रखा, और हमारी जो ये लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से मान लो अपवर्ड जा रही है। ठीक है, तो नीचे क्या लगेगा इसमें, मान लो एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा होकर इस लिफ्ट को देख रहा है बाहर से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगी, एम जी डाउनवर्ड्स। स्ट्रिंग में क्या आएगा, एक टेंशन आएगा, तो हमारे पास इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो क्या बढ़ेगी, मास एम, देन एम जी ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, टी टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन अगेन ए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू किसके, एम ए। तो टेंशन क्या आ गई यहाँ पे, एम ए प्लस एम जी, और टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम इंटू ए प्लस जी। ठीक है, अब मान लो जो ये ऑब्जर्वर है इसको हम लिफ्ट के अंदर ले जाएं, अगर आपका ये सेकंड केस बन जाए, दिस इज योर फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में देखिए क्या है, ऑब्जर्वर अंदर जा रहे हैं, दिस इज योर लिफ्ट, अगेन हेयर मास इज सेम एम, दिस इज योर स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर आ गया लिफ्ट के अंदर ही, ये एक्सेलरेशन से ए से ऊपर जा रही है हमारी लिफ्ट, तो
बट क्योंकि ऑब्जर्वर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मास्क भी आपका ये आइसोलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर अंदर आने के कारण उसको क्या लग रहा है कि ये भी रेस्ट में और मास्क भी क्या है रेस्ट में है, तो उसको आइसोलेशन अब कितनी लग रही है, जीरो लग रही है आइसोलेशन। तो हमारे पास मास उसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, सिटिंग में क्या आएगी टेंशन, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया टी इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी के इक्वल। अब यहाँ पे इस केस में ऑब्जर्वर क्या था आपका, बाहर था, वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था अर्थ के ऊपर से, यहाँ पे अगर अंदर गया तो टी इज इक्वल टू एम जी आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है एम ए प्लस एम जी, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते सेम टाइम पे। तो हम क्या करें, इस रिजल्ट को भी सही करने के लिए हमने क्या लिया, एक स्यूडो फोर्स ले ली। हम क्या करते हैं अब, स्यूडो फोर्स क्या है हमारे पास, स्यूडो फोर्स में क्या करना है आपको, स्यूडो फोर्स क्या है, एक फेक फोर्स है। हम इस इक्वेशन को सही बनाने के लिए क्या एज्यूम करते हैं कि जो आपकी ये एक्सेलरेशन है ये ऊपर ना लग के कहाँ लग रही है, माइनस एम ए, मीन्स एक्सेलरेशन के अपोजिट हमारे पास एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी है हमारी, स्यूडो फोर्स, मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड लग रही थी ना, तो उसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एम ए। अगर ये नीचे की तरफ लग रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ठीक है, मीन्स हमारे पास अब क्या है, इसी को हम दोबारा से देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। लाइक आपके पास यहाँ पे लिफ्ट थी, यहाँ पे हमारे पास मास अटैच था स्ट्रिंग के साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जर्वर अब यहाँ पे है, ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन यहाँ पे क्या लगा दी हमने एक स्यूडो फोर्स, ताकि हमारा रिजल्ट क्या आए ठीक आए। तो हमारे पास टी टेंशन अपवर्ड लग रही है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगा, मास टेंशन, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है एम ए जो कि स्यूडो फोर्स है, एक एम जी लग रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एम जी प्लस एम ए। अब हमारे पास क्या है, दोनों रिजल्ट वैलिड है, और यहाँ पे ये कौन सा फ्रेम है क्योंकि ऑब्जर्वर इसके अंदर है, सो इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और देखिए इसकी सेकंड एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। अब अगर आपके पास क्या है, मान लो कोई कार है या कोई ट्रॉली है, उसमें क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक ट्रॉली है, ये मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, यहाँ पे आपने कोई मास एम कर रखा है एम, अब जब ये आगे की तरफ जाएगी तो ये पीछे की तरफ आएगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसने देखा कि हमारे पास ट्रॉली तो आगे की तरफ जा रही है बट मास हमारा क्या रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है यहाँ पे कहीं, ठीक है, उसने देखा कि ये थीटा एंगल मूव कर गया। हमें अब क्या देखना है, फाइंड थीटा, आपको थीटा फाइंड आउट करना है व्हेन एम इज इन इक्विलिब्रियम, आपको थीटा देखना है जब हमारा मास क्या है इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए इसको क्या ध्यान में आया कि अगर एक्सेलरेशन हमारी आगे की तरफ लग रही है तो ये पीछे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है, एक स्यूडो फोर्स लग रही है जो कि क्या है एक फेक फोर्स है, और वो किस साइड लगेगी, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसने इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा, उसने बोला कि मास एम यहाँ पे है तो ये यहाँ पे मूव कर गया, अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और जो स्यूडो फोर्स के कारण पीछे की तरफ आएगी तो यहाँ पे एम ए फोर्स लगेगी, और इसके अलावा इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा ही। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एम मास है, एक तो एम जी फोर्स लग रही है, दूसरा इस पे एम ए फोर्स लग रही है, थीटा एंगल के कारण क्या होगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा, तो अगर यहाँ पे एंगल आपका थीटा बन रहा है तो इसका एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टेंशन आएगी सेटिंग में, इस सेटिंग में टेंशन होगी, तो टी कॉस ऑफ थीटा इस थीटा के कारण, इस साइड आएगा टी साइन ऑफ थीटा। अब इक्विलिब्रियम में जब मास है हमें थीटा तब फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से,
ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगी, टी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। सिमिलरली ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगी, टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम ए। वन टू हमें थीटा फाइंड आउट करना है, साइन को ऊपर रखेंगे, डिवाइड टू वाई वन, वी गेट टी साइन ऑफ थीटा अपॉन टी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कैंसल, टी से टी कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। और थीटा हमें फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। दिस इज योर स्यूडो फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम इम्पल्स डिस्कस करते हैं। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स आपके पास होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। इम्पल्स फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। अगर आपके पास फोर्स ज़्यादा है तो वो टाइम इंटरवल कम के लिए लगनी चाहिए, और अगर टाइम ज़्यादा है तो फोर्स हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। इम्पल्स फोर्स क्या होती है, इम्पल्स फोर्स इसको आप जे से डिनोट करते हो, ये प्रोडक्ट होती है फोर्स इंटू मेट्स टाइम इंटरवल। अब जो क्रिकेटर है जब वो बॉल को कैच करता है तो क्या होता है कि वो अपने हैंड पीछे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि टाइम इंक्रीज हो जाता है बॉल का उसको कैच करने के लिए, और जिसके कारण उसके हैंड पे जो फोर्स लगाएगी वो बॉल वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण उसके हैंड पे क्या लगती है, चोट क्या लग रही है, कम लगती है। अगर टाइम आपका ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी, और अगर फोर्स ज़्यादा है तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा, नियर अबाउट जीरो के इक्वल। अब देखिए मान लो यहाँ पे कोई बॉल है, मान लो ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास है एम, ठीक है। हमने कुछ फोर्स लगाई, फोर्स अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी, मास सेम रहा एम, तो हमारे पास जे इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए के। तो पुटिंग वन, एफ की जगह पे एम ए डेल्टा टी। आगे एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी कैंसल एम डेल्टा वी, बट चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू। तो इम्पल्स क्या आ गया हमारे पास, जे इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, और ये क्या होता है हमारे पास मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, बट जे क्या था फ्रॉम वन, वन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए है एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो हमारे पास इम्पल्स क्या हुआ, इम्पल्स हमें बता रहा है कि बाहर से फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम में कितना चेंज आया, एक्सटर्नल फोर्स जब आपने अप्लाई किया तो मोमेंटम में कितनी चेंज आई, दैट इज़ अवर इम्पल्सिव फोर्स। थैंक यू।